बार की बात है, एक पहाड़ी पर एक छोटा सा गांव था। वहीं रघुनाथ धोबी अपनी पत्नी बेला और बेटी नीलू के साथ रहता था। दोनों पति पत्नी घर घर जाकर कपड़े ले आते और नदी में जाकर कपड़े धोते थे, पर उनका गुजारा बड़ी मुश्किल से होता। रघुनाथ की पत्नी बेला खाना बनाकर सबसे पहले कोए और पक्षियों के लिए खाना निकाल कर मुंडेर पर रख देती थी। जब तक पक्षियों को खाना नहीं दे देती, अपनी बच्ची को भी खाने को नहीं देती। उन्होंने अपने घर के सामने एक सेब का पेड़ लगाया था। कई साल बाद, अरे बेला, देखो, इस बार पहली बार पेड़ों पर फल लगे हैं। कितने बरसों बाद इस पेड़ में फल लगे हैं, ये देखकर पूरा परिवार खुश हो गया। धीरे धीरे फल होने लगे। नीलू बड़ी चौकसी से उन फलों की रखवाली करती थी। एक दिन रघुनाथ की पत्नी घर में किसी काम में व्यस्त थी, तभी उसकी बेटी नीलू चिल्लाई, माँ देखो पेड़ पर बहुत सारे कौवे आ गए हैं। बेला भागती हुई बाहर आ गई, लेकिन कौओं को देखकर वो चकित रह गई। ये कौवे कोई साधारण कौवे नहीं थे, एकदम काले और आकार में काफी बड़े थे। उनका रंग भी चमकीला था। बेला पहले तो उनको देखती रही, परंतु जब उसे आभास हुआ कि ये कौवे तो सारे फल नष्ट कर देंगे, तो वो पेड़ के नीचे गई और हिश हिश करके उन्हें भगाने लगी। कौवे तो फल खाने में व्यस्त थे, कुछ खाते कुछ गिराते। उसके भगाने पर उन पर कोई असर नहीं हो रहा था। कितना सोचा था कि इस बार सेब की अच्छी फसल हो जाएगी, सेब बेचकर बच्ची के अच्छे अच्छे कपड़े बनवाऊंगी, अपने लिए साड़ी खरीदूंगी, पति के लिए जूते खरीदूंगी। उनके पैरों में नंगे पैर चलने से छाले पड़ जाते हैं, एक ही कंबल में ठंड लगती है, पर ये कौवे तो सब बर्बाद कर देंगे, सोचते सोचते वो रोने लगी। तभी एक अद्भुत सा दिखने वाला कौवा उसके पास आया। तुम क्या रो रही हो? पहले तो बेला सक पकाई कि ये आवाज कहाँ से आई, फिर सामने काले चमकीले कौवे को देखकर वो जोर जोर से रोने लगी। तुम लोगों ने मेरे सारे फल बर्बाद कर दिए, अब हम लोग क्या करेंगे? तुम हमें और हमारे साथियों को भरपेट सेब खाने दो, तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तभी कौओं का एक बड़ा सा झुंड आया और पूरे पेड़ की डालियों पर बैठकर काऊ काऊ करते हुए फल खाने लगा, कुछ खाता कुछ गिराता। अचानक रघुनाथ आ गया। उसने सेब के पेड़ का ये हाल देखा तो वो भी उन कौओं को भगाने के लिए एक डंडा लेकर पेड़ के नीचे पहुंचा। तभी वो अद्भुत सा दिखने वाला काला कौआ रघुनाथ के पास आया। जाओ एक बड़ा सा झोला ले आओ और मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें ऐसी जगह ले चलूंगा जहां तुम्हें बहुत सारी दौलत मिलेगी, तुम्हारी गरीबी खत्म हो जाएगी। रघुनाथ पहले थोड़ा शंकित हुआ। एक तो उसने अपने जीवन में कभी किसी जानवर या पक्षी को बोलते नहीं सुना था, और कौए का अद्भुत आकार देखकर वो असमंजस में पड़ गया। वो घर के भीतर गया और एक झोला लेकर आ गया। कौए ने रघुनाथ को अपनी पीठ पर बिठा लिया और उड़ गया। जाते जाते पहाड़ियों के पीछे पहुंचा और एक गुफा के सामने उतर गया। अब गुफा के अंदर चले जाओ, मैं यहीं तुम्हारी प्रतीक्षा करता हूँ। जब रघुनाथ अंदर गया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि गुफा तो सोने के सिक्कों और अशर्फियों से भरी थी। कौवे के आदेशानुसार वो अपने झोले में सिक्के और अशर्फियां भरने लगा। उसने आधा झोला ही भरा था, तभी वो बाहर आ गया। बस अब चलो घर वापस चलते हैं। बस इतना ही? अभी तो तुम्हारा झोला पूरी तरह से भरा भी नहीं। झोला पूरा भर जाएगा तो तुम्हारे ऊपर ज्यादा बोझ पड़ेगा। कौवा उसके व्यवहार और विचार से बहुत खुश हुआ। रघुनाथ को अपनी पीठ पर बिठाकर वापस उसके घर छोड़कर चला गया। इतना धन देखकर बेला बहुत खुश थी। कौओं का झुंड प्रायः रोज आता और काऊ काऊ करके कुछ फल खाता कुछ गिराता, परंतु अब उन्हें कोई नहीं भगाता। अद्भुत कौआ अक्सर रघुनाथ को गुफा के अंदर ले जाकर छोड़ देता। जब वो सोना भर लेता तो कौआ उसे अपनी पीठ पर बिठाकर उसके घर छोड़ देता। एक दिन जब वो अद्भुत कौआ रघुनाथ को लेकर गुफा के नजदीक पहुंचा तो देखा कुछ घुड़सवार उस गुफा के आसपास घूम रहे थे। वो आपस में बातें कर रहे थे।
भाई, उस लड़के ने पक्की खबर दी थी कि इस गुफा से एक आदमी अक्सर अपने झोले में कुछ भर कर निकलता है, और एक दिन उस गुफा के सामने कुछ सोने की अशर्फियां पड़ी थी। जरूर इस गुफा में कोई खजाना है। उनके हाथों में हथियार भी थे। अब क्या करोगे? ये लोग तो बहुत खतरनाक लग रहे हैं। मुझे लगता है कि ये डाकू हैं। अगर ये खजाना डाकुओं के हाथ लग जाएगा तो ये पूरा खजाना खाली कर देंगे और व्यर्थ के कामों में खर्च कर देंगे। हमें किसी तरह इनको वहाँ जाने से रोकना होगा। तुम ठीक कहते हो। मैं इनके पास जाकर इनसे पूछताछ करता हूँ। तुम अकेले कैसे जाओगे? वो लोग तुम्हें मार देंगे तो? कुछ भी हो, खजाने की हिफाजत तो करनी ही होगी। यह खजाना गलत हाथों में कदापि नहीं लगना चाहिए। रघुनाथ गुफा के पास पहुँचा तो लोग सतर्क हो गए और अपने हथियार लेकर खड़े हो गए। तुम वही आदमी तो नहीं हो जो रोज यहाँ से सोना ले जाने के लिए आते हो? कैसा सोना? भाई, अगर मैं रोज सोना ले जाता तो मेरी ऐसी हालत होती? न पैरों में जूते और न सिर पर ढंग की पगड़ी। आप लोग क्या सोना लेने आए हैं? नहीं, हम तो ऐसे ही इधर से जा रहे थे, विश्राम करने के लिए रुके हैं। परंतु तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सच कहूँ तो मैं इधर पहली बार आया था और रास्ता भटक गया हूँ। अगर आप लोग भी उधर की तरफ जा रहे हो तो मुझे भी छोड़ दीजिए। नहीं, हम यहाँ रात में रुकेंगे। तुम जाओ और ध्यान रखना, इस बात की खबर किसी को ना होने पाए, वरना तुम्हें मौत के घाट उतारने में हमें बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। जी हुजूर। रघुनाथ धीरे धीरे चलता हुआ कौए के पास आ गया और सारी बातें उसे बताई। तभी कौए ने एक अजीब सी आवाज में कांव कांव करना शुरू कर दिया। उसकी आवाज सुनकर वहां हजारों की तादाद में कौए आ गए। रघुनाथ वहीं बैठा तमाशा देखता रहा। सभी कौए गुफा की तरफ चले गए। उस अद्भुत कौए की अगुवाई में सबने उन व्यक्तियों के ऊपर हमला बोल दिया और सभी लोग वहां से अपनी जान बचाकर घोड़ों पर सवार होकर भागे। अद्भुत कौवा थोड़ी देर बाद रघुनाथ के पास पहुंचा। चलो, अब वो लोग कभी नहीं आएंगे। कुछ दिनों बाद फिर कौवा आया। रघुनाथ, चलो, आज नहीं जाना है क्या? अगर वो लोग फिर आ गए तो? तुम चलो तो सही। दोनों गुफा की तरफ उड़ गए। रघुनाथ जब गुफा के सामने पहुंचा तो उसने देखा कि आज तो 10-12 की संख्या में घोड़े खड़े हैं और 2-3 डाकू गुफा के बाहर ही बंदूक लेकर खड़े हैं। उसको देखते ही उन्होंने उस पर बंदूक तान दी। आज ये यहाँ से बचकर नहीं जा सकता। बचाओ, बचाओ मुझे, कोई बचाओ। उसकी आवाज सुनकर कौए ने पुनः वही अजीब आवाज निकाली और उस पहाड़ी पर रहने वाले सारे पक्षियों ने गुफा को घेर लिया। तब तक अद्भुत कौए ने पहरा देने वाले डाकुओं को अपनी चोट से मार मार कर अधमरा कर दिया। रघुनाथ, तुम बंदूक उठाकर इनको खत्म कर दो। रघुनाथ की गोलियों की आवाज सुनते ही सारे डाकू गुफा से बाहर आ गए और सभी पक्षियों ने मिलकर उनका काम तमाम कर दिया। रघुनाथ, अब सारे घायल डाकुओं को घोड़ों पर रस्सी से बांध दो और घोड़ों को पहाड़ी की तलहटी की तरफ छोड़ दो। रघुनाथ ने वैसा ही किया। हमें माफ कर दो, अब हम कभी इधर नहीं आएंगे। छोड़ दो हमें, माफ कर दो। जान बचेगी तभी तो आओगे। रघुनाथ सभी घोड़ों को तलहटी की तरफ छोड़कर आया तो? तुमने तो बड़ी आसानी से उन लोगों को भगा दिया। अच्छा, एक बात तो बताओ, तुम हमारी इतनी मदद क्यों कर रहे हो? तुम्हारी पत्नी हम पक्षियों को खिलाए बिना अपनी रसोई से किसी को खाना नहीं खिलाती। हमें भी तो कुछ करना होगा ना। कौए की सहायता से वाकई उनकी सारी तकलीफें खत्म हो गई थी। रघुनाथ ने उन पैसों से बहुत सारी पक्की सड़कें बनवाई, बहुत सारे बाग बगीचे लगवाए, उनमें बहुत सारे सेब के पेड़ लगाए ताकि वो पक्षियों और कौओं को पेट भर सेब खिला सके और अपना और अपने परिवार का खर्च उठाने के साथ साथ दूसरों का उपकार कर सके। सब खुशी खुशी रहने लगे।